हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर 9। ये हमारा 63 ट्यूटोरियल है एंगुलर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने होस्ट बाइंडिंग की। तो देखिए, होस्ट बाइंडिंग भी हमारा होस्ट लिस्टिंग की तरह एक आपका डेकोरेटर है, जो कि क्या करता है, हमें किसी एक प्रॉपर्टी से बाइंड करता है और उस प्रॉपर्टी को हमें चेंज करने के लिए मौका देता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपने नए डेकोरेटर का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से मुझे इस रेंडर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और ये केस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो पता हो कि इस तरह का भी एक डेकोरेटर होता है जिसके आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको अगर आपको इसको हम तब यूज़ करेंगे जब आपको सिर्फ सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो कि हमें इस केस में करना है। तो हम बिना रेंडर का यूज़ करे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमने रेंडर का कोड लिखा है ये गलत है, या फिर आपका जो मैं होस्ट बाइंडिंग का कोड बता रहा हूँ ये इससे ज़्यादा इम्प्रूव कोड है, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट कर लूँगा दोनों को, इन दोनों का हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यूज़ करेंगे आपके डेकोरेटर का, जो कि होगा होस्ट बाइंडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा होस्ट बाइंडिंग, जिसको हमें इम्पोर्ट करना होगा, और ये हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक स्ट्रिंग पास करूँगा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। और यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इस के अंदर जाएगी, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो चेंज होगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और ये किस टाइप का होगा, हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और इनिशियली मुझे इसे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि हम इसे कुछ देर में देने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं कौन सा आर्ग्यूमेंट डालूंगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में डालेंगे। देखिए, आर्ग्यूमेंट डालेंगे लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में। और ये आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा इसमें कि कौन से एलिमेंट का, जिसमें आपका डेकोरेटर सेट है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो फिर सुन लीजिए, जहाँ पर हमारा डेकोरेटर सेट कर रखा है, जहाँ पर बैठा है, जिस एलिमेंट में है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग बेसिक में क्या कर रहे थे, स्टाइल बैकग्राउंड को एक्सेस कर रहे थे, जहाँ पर हमारा डायरेक्टिव बैठा हुआ था। तो वहाँ पर वही चीज़ हमें यहाँ पर भी एक्सेस करनी है, स्टाइल का बैकग्राउंड को एक्सेस करना है। तो सिंपल मैं लिखूँगा यहाँ पर स्टाइल और उसके बैकग्राउंड का, और यहाँ पर कैमल का इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हम डोम एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके डैश नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको मैं सेव कर लूँगा। अब देखिए, इस बैकग्राउंड कलर को जब मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए, जब भी हमारा माउस एंटर होगा, तो यहाँ पर मुझसे क्या करना है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। तो दिस डॉट बैकग्राउंड कलर इजिकल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्लू कर दूँगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे, दिस डॉट बैकग्राउंड कलर इजिकल टू, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। सेव कर लेते हैं इसे। अब देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बोला था कि हमें इनिशियल वैल्यू यहाँ पर कुछ देनी पड़ेगी। अब इनिशियल वैल्यू इसलिए देनी पड़ेगी ताकि हमारा एरर ना जाए, क्योंकि पहले से कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे ट्रांसपेरेंट वैल्यू दे देंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर देंगे ट्रांसपेरेंट वैल्यू। सेव कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ होस्ट बाइंडिंग क्या है। आपका एक डेकोरेटर है, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं, और वो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, आप इसमें ये बताएंगे कि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है। जैसा कि इस केस में हमें जो इसका बैकग्राउंड था, स्टाइल का बैकग्राउंड, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो प्रॉपर्टी डालें जो एलिमेंट में हो। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी डाल दी जो उस एलिमेंट में एक्सिस ही ना करती हो। तो आप अपने एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इस क्योंकि स्टाइल जो है आपका वो हर एक एलिमेंट में अवेलेबल होता है ज़्यादातर। तो वहाँ पर हम स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी एलिमेंट में वैल्यू का यूज़ कीजिएगा जिसमें इनपुट हो, क्योंकि वैल्यू हर किसी में नहीं होती है। तो वहाँ पर अगर आप वैल्यू का चीज़ यहाँ पर से करवाएंगे, तो आपका एरर क्रिएट हो जाएगा। तो आपके एलिमेंट पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पर अवेलेबल है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वैल्यू। और फिर उस वैल्यू को जब भी हमारा माउस एंटर कर रहा है, तो वहाँ पर ब्लू कर दे रहे हैं, और जब माउस लीव कर रहा है, तो उसे ट्रांसपेरेंट कर दे रहे हैं। फिर से कोड में आएंगे हमारे, तो देखिए अभी इनिशियल वैल्यू इसकी ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा, तो ये हमारा क्या होगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर से हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, और जैसे हटाऊँगा, फिर से हमारा ट्रांसपेरेंट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपने होस्ट बाइंडिंग की मदद से ये सीखा कि कैसे आप
बाइंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इस पहले ही बता दूं कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप बाइंड कर रहे हों वो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।